इस आज की वीडियो में हम अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे। तो ये न्यूज़ था, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, आउट ऑफ 4.2 करोड़ नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर, ओवर 66% 2.8 करोड़ फॉर अटल पेंशन योजना एट द एंड ऑफ 2020-21। तो मतलब 66% मतलब अटल पेंशन योजना में मतलब इन्वॉल्व है। देखिए इसका कुछ फायदे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इस पर्पज़ किया टू प्रोवाइड पीपल विथ ए मंथली इनकम व्हेन दे आर नो लॉन्गर अर्निंग, जो उनका कमाने का एज नहीं रहेगा जैसा कि 60 ईयर्स के बाद, तो उसको मंथली इनकम मिलेगा एक पेंशन। टाइप क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेनिफिट क्या है, तो गारंटी मिनिमम पेंशन, जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसा सब्सक्राइबर उसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस हिसाब से उसको पेंशन मिलेगा मंथली। एंड बेनिफिशरी क्या है, देखिए ऑल इंडिया ऑल इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है लेकिन उसका एज ग्रुप है 18 to 40 ईयर्स, हैविंग ए सेविंग बैंक अकाउंट इन ए बैंक और पोस्ट ऑफिस। उसका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस। फोकस ऑन द ऑर्गेनाइज वर्कर, ज़्यादा ये फोकस किया गया ऑर्गेनाइज वर्कर के। और जो ठीक क्या है, देखिए इसका द फिक्स मिनिमम पेंशन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, द सब्सक्राइबर वुड रिसीव द फिक्स मिनिमम पेंशन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हिसाब से उसको पेंशन मिल जाएगा। सेवन फीचर क्या कहते हैं इसका, बैकग्राउंड द अटल पेंशन योजना रिप्लेस द स्वावलंबन स्कीम। तो ये रिप्लेस क्या कर रहा है, स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए इसका द मिनिमम पीरियड, द मिनिमम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एनी सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना 20 ईयर्स। तो कम से कम उसको 20 ईयर्स मतलब उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मिनिमम पीरियड है। जैसा कि 40 से करता तो 60 तक हो जाए उसको, इसलिए लास्ट ईयर 18 to 40 ईयर्स दिया गया है इसमें। सब्सक्राइबर शेयर, सब्सक्राइबर कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टू अटल पेंशन योजना ऑन मंथली, क्वार्टरली या हाफली बेसिस। अगर उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना है सब्सक्राइबर को, तो एक मंथ में या फोर्थ मंथ या सिक्स मंथ में कर सकता है वो। सेंट्रल शेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और 1,000 पर एनम, और 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा या 1,000 करेगा। विच इज द लोअर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 5 साल तक, द को कॉन्ट्रीब्यूशन कुड बी अवेल्ड ओनली बाय द सब्सक्राइबर हो। कौन कौन इसमें अवेल कर सकता है, देखिए हैव ज्वाइंट अटल पेंशन योजना बिटवीन 1 June 2015 एंड 31 March 2016, आर नॉट कवर बाय एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसको मतलब कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं होना चाहिए उसको। आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, उनको इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए वो। द वॉलंटियरी एग्जिस्ट क्या है, देखिए सब्सक्राइबर कैन वॉलंटियरी एग्जिस्ट बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स फ्रॉम अटल पेंशन योजना स्कीम सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। क्या क्या रहेगा उसमें, ऑन डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न इंटरेस्ट देयर ऑन। देखिए और क्या क्या इसमें, डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, अगर इनकेस उनको बेनिफिशियरी की डेथ हो गया तो इनकेस ऑफ परमेच्योर ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर डेथ बिफोर 60 ईयर्स ऑफ द एज, अगर 60 साल से पहले अगर डेथ हो जा रहा है, स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर हु कैन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना, जो उसका स्पाउस वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है वो उसका कंट्रीब्यूशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर फॉर रिमेनिंग वास्टिंग ईयर्स, जो साल बच गया उस तक, टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर हु हैव अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स 60 साल तक। मान लीजिए अगर 45 ईयर्स में उनका डेथ हो गया, तो जो रिमेनिंग पीरियड रहेगा जैसे कि वो सब्सक्राइब करे थे 40 ईयर्स में, तो 15 साल तक जो उसका स्पाउस रहेगा उनको भरना पड़ेगा। इनकेस ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एंड स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन टिल हिज हर डेथ। डेथ एंड बोथ बेनिफिशियरी एंड स्पाउस, अगर दोनों का हो जाएगा, देखिए अगर दोनों डेथ हो गया था, आफ्टर द डेथ ऑफ द बोथ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन वेल्थ अस अकोमोडेटेड टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ द सब्सक्राइबर। जो उसका नॉमिनी रहेगा वो अब उनको मिलेगा स्पाउस को छोड़कर, भाई तो अगर स्पाउस और जो सब्सक्राइबर थे दोनों का डेथ हो जाएगा तो। द इम्प्लीमेंटेशन क्या, देखिए इट इज़ एमिटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम वुड बी यूटिलाइज टू एनरोल द सब्सक्राइबर अंडर द अटल पेंशन योजना।